आपको लिए चलते हैं नैपुर, जहां पर सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ अभी पहुंचे और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी इस वक्त नैप कोर्ट के बाहर मौजूद है। साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो कि नैब में आज पेश होंगे और उनसे आमदन से जायद असासजात के इसके हवाले से पूछगछ की जाएगी। नैब की टीम जो है वो उनसे तमाम तर तहकीकत करेगी। आपको बताएं कि 17 जून तक शहबाज शरीफ ने जमानत हासिल कर रखी है इसमें आमदन से जायद असासजात के केस में, और इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस है जो कि साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर है। नैब ऑफिस पहुंचे हैं शहबाज शरीफ, अब से कुछ देर कबल वो अपनी रिहायशगाह से रवाना हुए थे नैब ऑफिस के लिए और इस वक्त वो नैब ऑफिस पहुंच गए हैं, जिसके मनाजिर भी आप बोल रहे हैं उसकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कारकुनान को पहुँचने का कहा गया था, यहाँ पर तफसीलात जानेंगे बोल रहे हैं उसके नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास बताइएगा, शहबाज शरीफ नैब ऑफिस पहुँच गए? मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को आज नैब ने आमदन से जायद असासजात केस से जो है दोबारा तलब किया था। तो शहबाज शरीफ जो है वो अब नैब ऑफिस से बाहर निकले हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है आज तैनात की गई है। नैब ऑफिस के अतराफ के तमाम रास्ते खारदार तारें और रुकावटें जो है बंद किया गया मुकम्मल तौर पर। तकरीबन 100 के करीब जो है नून लीग के कारकुनान जो है वो नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है, जबकि बाकियों को जो पुलिस अहलकार ने नैब ऑफिस के पास अगर सुपुर्द किया था तो वो भी अभी नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है। शहबाज शरीफ की गाड़ी के अतराफ जो है कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो जमा हो गई है और शहबाज शरीफ के हक में और हुकूमत मुखालिफ जो है नारेबाजी कर रही है। बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आ रहे हैं कारकुनान और उनका ये कहना है कि मुस्तकिल तौर पर तस्दीक का निशाना बनाया जा रहा है उनकी क्यादत को, और आज एक मरतबा फिर जो है शहबाज शरीफ को नैब ने बुलाया है ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है और शहबाज शरीफ को गैर कानूनी तरीके से जो है आमदन से जायद असासजात कैसे फंसाया जा रहा है। तो इस वक्त कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है और शहबाज शरीफ की गाड़ी को उन्होंने घेरा हुआ है और शहबाज शरीफ चेक की जा रही है। इस वक्त शहबाज शरीफ की गाड़ी जो है वो नैब ऑफिस के गेट पर अभी तक नहीं पहुंची। जो रास्ते बंद किए गए हैं उस जगह पर शहबाज शरीफ की गाड़ी मौजूद है और तकरीबन शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस तक जाते जाते तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि कारकुनान जो है उन्होंने शहबाज शरीफ गाड़ी को घेरा हुआ है और मुस्तकिल तौर पर उनके अंदर नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त अगर ठोकर न्यास देख जो है लाहौर की और यहाँ पर दूसरे शहरों से ट्रैफिक जो है लाहौर के अंदर दाखिल होती है, उस ट्रैफिक को भी मुकम्मल तौर पर पुलिस की जानेब से बंद किया गया है। मुस्तकिल तौर पर बंद है, पुलिस अहलकारों की बहुत बड़ी तादाद जो है नैब ऑफिस के बाहर मौजूद है और ठोकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। अब देखना यह है कि शहबाज शरीफ जो है नैब की टीम के सामने आज पेश होंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। अब्बास नकवी, कारकुनान की एक बड़ी तादाद हम देख सकते हैं इस वक्त नैब ऑफिस के बाहर, क्या कोई सीनियर रहनुमा भी पहुंचा है नैब ऑफिस के बाहर? जी बिल्कुल, जो लाहौर के एमपी हैं ख्वाजा इमरान नजीर और उसके साथ साथ दीगर एमपी जो है गजाली सलीम भट्ट और नून लीग की जो दीगर क्यादत है वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके साथ साथ कारकुनों को शहबाज शरीफ ने बड़ी तादाद में कोरोना की वजह से नैब के ऑफिस आने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद जो है कारकुनान जो है उसकी बड़ी तादाद नैब ऑफिस के बाहर जो है पहुंच गई और शहबाज शरीफ के हक में नारेबाजी कर रही है। तो ठीक है, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स देते रहेंगे, फिलहाल शुक्रिया।